Hello students, in this video we will study about factor income and transfer income. First we study about factor income. Factor income refers to income received by factor of production. Students, I told you about factor of production in first video. I hope आप सभी को याद होगा factor of production किसे कहते हैं. याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्राइमरी इनपुट्स लगते हैं, उन प्राइमरी इनपुट्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. एंड दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट हेड्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. याद आया कुछ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था आपको, है कि नहीं? तो फैक्टर इनकम क्या हो गया? फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से जो हमने इनकम रिसीव किया है भाई. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते थे हम. फैक्टर सर्विसेज देते थे तो फैक्टर पेमेंट हमें मिलता था, ठीक है. फिर से देखें, फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड से हमें मिलता था रेंट, लेबर हमें देता था वेजेस, अगर एम्प्लॉई है तो सैलरी, कैपिटल हमें देता था इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट. तो ये जो इनकम हमने जनरेट की, दिस इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम. इन सिंपल वर्ड, आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज वी रिसीव सम इनकम एंड दैट इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम. किसी भी काम को करने के बाद जो इनकम हमें रिसीव होती है वो कहलाती है फैक्टर इनकम. इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल में यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. क्योंकि रेंट हमें कब मिलेगा? जब हम अपनी लैंड किराए पे देंगे, या फिर लेबर देंगे, अपने एफर्ट देंगे, उसके अगेंस्ट में हमें वेजेस एंड सैलरी मिलेगी, या फिर कैपिटल देंगे तो उस कैपिटल के अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा. एंड लास्ट, अगर हम उस कैपिटल को यूटिलाइज करें एज अ एंटरप्रेन्योर, खुद अपने बिजनेस में अगर हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उस बिजनेस में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. तो क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ किया. कुछ करने के बदले जो हमें इनकम मिली, दिस इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम. तो अब तो इजी हो गया ट्रांसफर इनकम को समझना. क्यों? क्योंकि जहां पे हमने काम किया, उस काम को करने के बाद जो इनकम रिसीव हुई, तो वो इनकम फैक्टर इनकम कहलाती है. फैक्टर सर्विसेज के बाद फैक्टर इनकम मिला. कोई काम किया तो इनकम मिला, जब काम नहीं किया इनकम मिला तो क्या होगा? ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज इन रिटर्न. किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव सर्विसेज, सॉरी यहां पे प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए था, प्रोडक्टिव होना चाहिए था. ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के जो इनकम रिसीव होती है, उस इनकम को कहते हैं ट्रांसफर इनकम.
अब आप सोचेंगे कि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के या बिना काम के हमें कौन कौन सी इनकम मिलती है। मिलती है इनकम, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी इनकम होती है जो हमें मिलती है, लेकिन हमने कभी उसको इस तरीके से नहीं पढ़ा कि हाँ इसको फैक्टर इनकम कहते हैं या इसको ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जहाँ हमने काम किया वो हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है, जहाँ हमने काम नहीं किया और इनकम हमें मिली वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका बताएं आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने 60-65 ईयर की एज कंप्लीट कर रखी है, उनको पर मंथ ओल्ड एज पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड एग्जांपल आता है आपका स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती कि स्टूडेंट आओ पहले मेरे लिए काम करो, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। जब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकें। एक एग्जांपल और हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट देती है 18 साल के ऊपर के वो लोग जो किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है पर मंथ 1000 रुपीज़ बेरोजगारी भत्ता मिलता है बिना किसी काम के। या फिर आप लोग अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपको पॉकेट अलाउंस मिलता है या पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है सभी को, घर से पॉकेट मनी मिलती है, तो क्या उस पॉकेट मनी के लिए आप कोई एफर्ट करते हो, पापा के लिए कुछ किया नहीं किया, पर मंथ आपको पॉकेट मनी मिल जाती है और उसी पॉकेट मनी को आप पूरे महीने चलाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या हुआ, ट्रांसफ़र इनकम इजी है, एक ऐसी इनकम जिसके लिए हमने कोई काम ना किया हो तब भी हमें इनकम रिसीव हुई, जिसके चार एग्जांपल मैंने आपको बताया, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड पॉकेट मनी। ये सभी का अलग अलग हो सकता है भाई, पॉकेट मनी सबका अलग अलग, इसीलिए ट्रांसफ़र इनकम को वन साइडेड पेमेंट भी कहा जाता है। वन साइडेड पेमेंट क्यों कहा जाता है, अच्छा ट्रांसफ़र इनकम को वन साइडेड पेमेंट समझने के लिए ये कह सकते हैं, कोई कंट्री दूसरे कंट्री को जब रिलीफ फंड देती है तो वो वन साइडेड पेमेंट ही तो होता है, कहीं किसी कंट्री में अगर डिज़ास्टर आ जाता है या किसी स्टेट में ही, इंडिया के ही किसी स्टेट में अगर डिज़ास्टर आ जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर अगर आ जाता है तो उस केस में अदर स्टेट्स भी उन्हें हेल्प करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट जब उस पर्टिकुलर स्टेट सपोज करते हैं, ए स्टेट में डिज़ास्टर आया हुआ है, बी स्टेट ने सपोर्ट किया है, ए स्टेट जब रिकवर कर लेगा सारी चीज़ें तो वो जो भी चीज़ें थी बी की वो वापस नहीं करता है, ये वन साइडेड पेमेंट होता है, ये एक हेल्प होती है जो बी स्टेट करती है, ए को बाद में वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ट्रांसफ़र इनकम को वन साइडेड पेमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि ओल्ड एज पेंशन अगर दिया गया है तो ओल्ड एज पेंशन के बदले में कुछ मांगा नहीं गया, या स्कॉलरशिप के बदले में मांगा नहीं गया है, या पॉकेट अलाउंस पापा ने दिया तो उसके पहले आपसे ये नहीं कहा कि ये वाला काम करके मुझे दिखाओ, नहीं ना, पॉकेट अलाउंस आपको देना था तो पॉकेट अलाउंस आपको मिल गया। इसीलिए अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफ़र इनकम को नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आप ये सोच रहे होंगे एन से हो गया नेशनल और वाई से इनकम, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो इनकम को वाई से शो करते हैं, इसलिए अब धीरे धीरे इनकम को वाई से लिखने की आदत डाल लीजिए, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इनकम को आप वाई से लिख सकते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं और फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। थैंक यू।